नमस्कार, मैं डॉक्टर वीके राय। आपको मेरे चैनल डॉक्टर वीके राय होम्योपैथी क्लिनिक में बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप? मैं आशा करता हूं कि आप बहुत ही अच्छे से होंगे। साथियों, आज मैं इस वीडियो में जानकारी देने वाला हूं गैस एसिडिटी की समस्या के लिए एक घरेलू उपाय के बारे में। यह घरेलू उपाय आपको गैस एसिडिटी की समस्या को ठीक करने में मदद करता है, इस समस्या को जड़ से ठीक करता है। साथ में मैं एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज के बारे में बताऊंगा जो आपको इस समस्या में फौरन तुरंत लाभ देता है। तो यदि आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो कृपया वीडियो को पूरा देखें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने के पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया आपसे गुजारिश है कि पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करें। यह वीडियो केवल एजुकेशन के पर्पज से बनाया जा रहा है। यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के पास शेयर करें। देखिए, गैस एसिडिटी की जो समस्या है, यह समस्या जो आप खाना खाते हैं और यह खाना सही से हजम न हो करके खाना जो है गलने लगता है, सड़ने लगता है, तब आपको एसिडिटी की गैस की समस्या उत्पन्न होने लगता है। जो आप खाना खाते हैं उस खाने को पचाने में हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है मदद करता है। यह एसिड जो है यदि ज़्यादा मात्रा में बनने लगता है पेट के अंदर, तब आपको एसिडिटी गैस की समस्या उत्पन्न होने लगता है। यह समस्या उत्पन्न होने के कई कारण होते हैं। सबसे पहला कारण होता है खराब जीवन शैली, अनियमित खान पान, व्यस्त जीवन रहने के कारण जो है लोगों के पास खाना खाने के लिए भी सही समय नहीं मिल पाता है, जिसके कारण आपको एसिडिटी गैस की समस्या उत्पन्न होता है। अगला कारण है ऑयली फूड, तैलीय भोजन का सेवन ज़्यादा, स्पाइसी, मैदे से बना हुआ पकवान का सेवन ज़्यादा। ये सब जो है भोजन ज़्यादा करने से आपको एसिडिटी गैस की समस्या उत्पन्न होता है। अगला कारण है स्ट्रेस, तनाव। तनाव के वजह से भी जो है गैस एसिडिटी की समस्या उत्पन्न होता है। रात में लंबे जो है समय तक जागे रहने से भी गैस की समस्या उत्पन्न होता है, या पर्याप्त नींद ना लेने के कारण भी गैस एसिडिटी की समस्या उत्पन्न होता है। देर से भोजन करने की वजह से भी जो है आपको गैस एसिडिटी की समस्या उत्पन्न होता है, या बार बार खाना खाने के कारण भी गैस की समस्या उत्पन्न होता है, आदि कई कारण होते हैं। अब चलिए जानते हैं कि गैस एसिडिटी के लिए वह कौन सा ब्रीथिंग एक्सरसाइज है जो आपको इस समस्या में फौरन तुरंत लाभ देता है। यदि आप इस एक्सरसाइज को, ब्रीदिंग एक्सरसाइज को, प्राणायाम को ठीक से करते हैं तो आपको गैस एसिडिटी की समस्या को जड़ से ठीक करने में भी मदद करता है, और तुरंत जो है आपको 102 मिनट में आपको यह जो है प्राणायाम से लाभ मिलता है। तो चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं, उसके बाद मैं करके भी आपको इस एक्सरसाइज को बतलाऊंगा कि आपको इसको कैसे करना है। इसमें आपको हल्का जीभ को बाहर निकाल करके राउंड घुमा लेना है, उसके बाद जीभ के द्वारा ही आपको सांसों को अंदर खींचना है, लेना है, इनहेल करना है, उसके बाद होल्ड करना है, और होल्ड करके जितना आप होल्ड कर सकते हैं उतना करिए। उसके बाद जो है आपको नाक के द्वारा इसको सांसों को छोड़ देना है, एक्सहेल कर देना है। अब चलिए करके देखते हैं कि आपको इस ब्रीथिंग एक्सरसाइज को कैसे करना है। सबसे पहले आपको, जैसा कि मैंने बतलाया, कि जीभ को राउंड करना है। थोड़ा जीभ को राउंड करना कठिन है, आप यदि इसको प्रैक्टिस करिएगा तो आपको फिर जो है करने आ जाएगा।
इसी तरह से आपको अगले साइड से भी सांसों को छोड़ना है। पहले आपको इनहेल करना है जीभ के द्वारा, फिर जो है आपको नाक से एक्सहेल कर देना है, सांस को छोड़ देना है। थोड़ा जीभ को राउंड करने में कठिन होता है, मैं इमेज लगा दूंगा, आप इमेज में भी देख लीजिएगा कि आपको जीभ को किस तरह से राउंड करना है। ऐसे मैंने प्रयास किया है आपको करके दिखलाने का, ताकि आप अच्छे से इसको समझ पाए। अब चलिए जानते हैं कि वह कौन सा घरेलू उपाय है जिस उपाय को करने से गैस एसिडिटी की समस्या में ठीक करने में मदद मिलता है, इस समस्या को जड़ से पूरी तरह से ठीक करता है। चाहे आपको जितना भी पुराना गैस एसिडिटी की समस्या हो, यह उपाय आपको जड़ से ठीक कर देता है। उस घरेलू उपाय में जो है आपको अजवाइन की जरूरत होती है, तो एक चम्मच अजवाइन को आपको किसी भी बर्तन में रोस्ट कर लेना है। उसके बाद इसमें चुटकी भर काले नमक को मिला करके आपको एक गिलास पानी के साथ इसको सेवन कर लेना है, और साथ में आप यह एक्सरसाइज को, प्राणायाम को करें। आप नित्य दिन करें, कम से कम 3 से 4 बार इसको करें, अधिक बार जो है अधिक से अधिक आप इसको 21 बार तक कर सकते हैं इस एक्सरसाइज को, और इस घरेलू उपाय को करें। मैं आशा करता हूं कि आपको गैस एसिडिटी की समस्या में बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, और आपको जो है कुछ समय के बाद गैस एसिडिटी की समस्या जड़ से ठीक हो जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों पूरे वीडियो को देखने के लिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक पे, तब तक जो है आप अपने हेल्थ को हेल्दी रखें और खुश रहें। जय हिंद, जय भारत।